गुड आफ्टरनून गाइस, मैं शीतल बाकरा, स्टॉक ब्रोकर एनिमोलॉजिस्ट। कल इवनिंग में ही आपसे बात की थी और निफ्टी के ऊपर के दो टारगेट अचीव होते हुए आपने देखे हैं। चलिए बात करते हैं रोशनी आईपीओ के बारे में। काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के थे। आज 13 तारीख है तो मैंने आप लोगों से भरने के लिए मना किया था। 13 से 15 तारीख के बीच में ये आईपीओ खुला है। आईपीओ की अगर प्राइस बैंड हम लोग देखेंगे तो 423 टू 425 के बीच में ये आईपीओ ओपन हो रहा है। वन ऑफ द लीडिंग स्पेशली केमिकल कंपनी हम लोग इसे बोल सकते हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। मिस्टर एडवर्ड एंड मिस्टर सुनील ये दो पार्टनर है। 2003 से ये लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। कंपनी की अगर पास्ट हिस्ट्री देखो तो काफ़ी अच्छी मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। इंडिया के साथ 17 फॉरेन कंट्रीज़ में भी इनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है। वियतनाम स्पेशली बांग्लादेश एंड मॉरिशस में काफ़ी सारा प्रोडक्शन इन लोगों का है, वहाँ से इनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है। कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करने का अभी आप लोग सोच रहे हो तो बुक वैल्यू अभी फ़िलहाल 56.46 के आसपास यहाँ पे बुक वैल्यू है। काफ़ी अच्छी बुक वैल्यू हम लोग इसे यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर आप लोग आज भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आईपीओ में अगर बेसिक रेट पे आपको मिल रहा है तो गुड, बट इसे आपको थोड़ा लॉन्ग होराइजन रखना पड़ेगा। इमीडिएटली जैसे आपको आईआरसीटी या फिर डीएलएफ या फिर डीमार्ट जैसे आईपीओ में रिटर्न्स मिले हैं, उतनी रिटर्न्स यहाँ पे आप एक्सेप्ट ना करते हुए अगर आप लॉन्ग टर्म का होराइजन रखते हो तो ये आईपीओ आप कल और परसों दो दिन में भरने के लिए कर सकते हो। 423-425 इज अ प्रॉपर वैल्यूएशन हम लोग इसे बोल सकते हैं। आप लोगों को अगर चाहिए, मैं यहाँ पे फोर्सफुली आपको नहीं बोलूँगी कि ये आईपीओ आप भर ही लीजिए, अगर इफ़ यू वांट, अगर आप सोच रहे हो कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो वन ऑफ बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ। 100% मैं आप लोगों के साथ एग्री नहीं करूँगी कि, या फिर 100% मैं आपको नहीं बोलूँगी कि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा या 100-150 रुपये का आपको फ्लक्चुएशंस यहाँ पे, जब आपको अगर आईपीओ मिलता है 100 और 130 रुपीज़ के आसपास। न्यूमरोलॉजिकली मैंने जब दोनों की कुंडली देखी है उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो 100 और 130 रुपीज़ के आसपास आपको पर शेयर आईपीओ में रिटर्न मिल जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन रखते हो तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी आपको मिल सकता है। हो सकता है आईपीओ जो रेट में अभी चल रहा है वो बाद में भी आपको ये रेट पे ये शेयर मिल सकता है। तो चलिए, ये थी आईपीओ रिलेटेड बात। हर बार आपके साथ कुछ ना कुछ नया शेयर करने में डेफिनेटली मुझे मज़ा आता है। एंड चलिए बात करती हूँ आज के प्रॉफिट की। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक स्ट्रैटेजी ऐसी शेयर करूँगी। आज मैंने कैश में भी ट्रेड किया है, आज मैंने फ्यूचर्स में भी ट्रेड किया है। आज 13th है तो 13th के दिन मार्केट मोस्टली ऊपर खुल के, मतलब एज अ न्यूमरोलॉजिकली 4 नंबर राहु का नंबर और 8 नंबर शनि का नंबर, तो मोस्टली हम लोग 4 और 8 के दिन थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड कर लेते हैं। और उसी तरीके से अगर उस दिन अगर आपको ट्रेड करना है तो किस तरीके से करना चाहिए और किस स्ट्रैटेजी से करना चाहिए ये मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए, आप देख सकते हो जैसे मैंने बोला कि मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ऊपर खुल के नीचे आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो 10,994 कल मैंने आप लोगों के साथ टारगेट शेयर किया था निफ्टी के 10,820। सेकेंड टारगेट है मेरा 10,088 और थर्ड टारगेट डेफिनेटली आप अचीव होते हुए देखोगे। पहले दो टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया है। चलिए बात करते हैं आज का प्रॉफिट। देखिए, अगस्त फ्यूचर्स में मैंने ट्रेड करना शुरू कर दिया है और ट्रेड का टाइमिंग नाम आप देख सकते हो। देखिए, मैंने 1455 रुपीज़ पे सेल कर दिया है और 1435.70 पे मैंने बाई कर लिया है। 10:40 पर मैंने इसे सेल किया है और 11:19 पर मैंने इसे बाई कर लिया है। मतलब आप इसे बोल सकते हो 40 मिनट्स, और एक 40 मिनट्स की वैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो 10,615 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हो गया है यहाँ पे। फिर हमने ट्रेड किया था कैश में, अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ TV Today, आप यहाँ पर देख सकते हो
सुबह 204 रुपये 204.95 पे बाइंग की गई है, नियर अबाउट 800 क्वांटिटी, और 210 रुपये 50 पैसे में इसे बेच भी दिया गया है। ट्रेड ख़त्म हो गया है, और ट्रेड जैसे ही ख़त्म हुआ हमें मिले है 4,639 रुपीज़। यहाँ पे प्योरली प्रॉफिट है, 100 क्वांटिटी डिलीवरी में बेची गई है, वो आपको माइनस या 100 क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है, बट टोटल अगर ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे तो 4,639 रुपीज़ का है। अब आप बोलोगे कि शीतल 4 तारीख पे ऐसी क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की। 4 तारीख का स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ किया, मैंने पहले सेल किया क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मार्केट ऊपर खुलेगा और नीचे आएगा, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, मार्केट ऊपर खुला और नीचे आया, तो मैंने ऊपर के लेवल पे 1455 को सेल कर दिया और 1436 को मैं अभी भी रुक सकती थी अगर आप बोलो तो। अभी उसका रेट अगर आप देखोगे तो 1401 का लो मारा है उसने, मैं चाहिए तो मुझे 50 रुपये भी मिल रहे थे, बट अगर आपको 20 रुपीज़ सफिशेंट अमाउंट है, 10,000 रुपीज़ विद इन अ 40 मिनट्स मिल रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड कि सफिशेंट अमाउंट है। कल हमने बोला था बाइंग ऑन डिप्स, आज हमने फॉर्मूला अलग यूज़ किया है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं बोल सकते, सेल ऑन राइज का फॉर्मूला आज मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अलग अलग स्ट्रैटेजी जब आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होते रहता है। चलिए आज शाम की बैच शुरू हो रही है, आज दोपहर की भी बैच शुरू हो रही है, आपको चाहिए तो आप आपका नाम एनरोल कर सकते हो और स्टॉक मार्केट की नई नई स्ट्रैटेजीज आप लोग सीख सकते हो। टिल देन गाइज ऑल द बेस्ट।